हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया की कंपनीज़ के और फॉरेन की कंपनीज़ के जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्वच्छ भारत कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दो लोग हैं, एक शिल्पा शेट्टी और अनुष्का शर्मा। GST जो हाल ही में 1 जुलाई को अभी लागू हुआ है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। वन प्लस जो कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। स्वच्छ रेल मिशन, भारतीय रेल को स्वच्छ बनाने में अहम कैसे उसे हम बना सकते हैं स्वच्छ, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं बिंदेश्वर पाठक। असम टूरिज्म, असम टूरिज्म को प्रमोट करती हैं प्रियंका चोपड़ा। स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसलिंग, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणदीप हुड्डा। स्किल इंडिया कंपेन, स्किल इंडिया को भी प्रमोट करती हैं प्रियंका चोपड़ा। मैं आपको बता दूं कि एक ही कंपनी के एक से ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। माइक्रोमैक्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अनिल कपूर जी। जियोनी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर 4 लोग हैं, प्रभास जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, श्रुति हसन, दिलजीत दोसांझ, दलकीर सलमान। उसके बाद आता है लोरियाल पेरिस, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति मोमेंटम झारखंड, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2017, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। पेप्सिको स्पोर्ट ड्रिंक गेटोरेट, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है जिसको प्रमोट करती हैं PV सिंधु। न्यू फीफा, फीफा के ब्रांड एम्बेसडर हैं डियागो मारोडोना। गोइबिबो, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। यूएन इंडिया गुडविल एम्बेसडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अशोक अमितराज। वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी वाज डिक्लेयर द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बाय यूनेस्को फॉर द रोल इन प्रमोटिंग कैन प्रोडक्ट्स। हेमा मालिनी जी को यूनेस्को के द्वारा बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया गया है और ये खिताब उनको RO मिनरल प्योरीफायर जो कि कैंट बनाती है उसके लिए दिया गया है। उसके बाद लक्स कोजी, जिसको प्रमोट करते हैं वरुण धवन। ली जींस, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जैकलिन फर्नांडिस। ड्यूरेक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। लॉयड AC इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो AC और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेश बाबू जो ये भी साउथ के एक सुपरस्टार हैं। गार्नियर, गार्नियर को प्रमोट करते हैं टाइगर श्रॉफ। लॉयड इलेक्ट्रिक, इसको भी प्रमोट करते हैं अमिताभ बच्चन जी। डाबर आमला हेयर ऑयल, इसके ब्रांड नेम हैं करीना कपूर खान। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यूनिवर्स गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल, गोकू ड्रैगन बॉल में एक किरदार है उसको लिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। सोनी या ये एक सोनी का नया चैनल है जिसको प्रमोट कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ। यूरो फैशन इनर, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। यात्रा डॉट कॉम, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर। माउंट ब्लैंक, ये एक जर्मनी की कंपनी है जो लग्जरी आइटम बनाती है पेन और सनग्लासेस जैसे, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं AB डिविलियर्स। खादी वस्त्र, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। Attitude.com, इसके ब्रांड में हैं क्रिस गेल। हैपन, हैपन एक ऐप है जो डेटिंग करवाती है, इसके ब्रांड नंबर हैं ऋतिक रोशन। पैंटीन फर्स्ट इंडियन वूमेन, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। पूमा, विराट कोहली, इन्होंने पूमा ने विराट कोहली को 100 करोड़ का 100 करोड़ दिया है पूमा को प्रमोट करने के लिए। एपिस इंडिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु। ओप्पो मोबाइल फोन्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। सोनी सब, सोनी का एक चैनल है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वरुण धवन। लोरियल प्रोफेशनल, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं ट्विंकल खन्ना। शुगर फ्री सेफ संजीव कपूर। जेट ब्लैक अगरबत्ती, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। मार्वल टी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर खान। नोकिया जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है, इसकी ब्रांड नंबर है PV सिंधु।
इजी डाइनर ऑनलाइन रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह, फूड पांडा, शाहरुख खान, स्मार्ट्रॉन मोबाइल फ़ोन। इसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी। और आज का क्वेश्चन है, यमहा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्त कमेंट में लिख के बताइए कि यमहा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।